हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से तीन एप्लीकेशंस फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है, अब इनमें से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है दूसरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए। यानी ये तीनों सोशल ऐप आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए अब आपका डेटा भी नहीं जाएगा, आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी 2 MB की एप्लीकेशन में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और खूब उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम हमारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे FLYSO फ्लाइसो। दोस्तों जैसे आप इसको फ्लाइसो को टाइप करेंगे ये पेज यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं फ्लाइसो सोशल नेटवर्क्स लिखा है, इसकी 4.2 की रेटिंग है, इसे 100,000 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों ये ऐप अगर आपको प्ले स्टोर में इस तरह से मिल जाता है तो ठीक है और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ जाके उसे क्लिक करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके आपको बताता हूँ इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको फेसबुक नज़र आती है तो फेसबुक पे आप फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर लेफ्ट साइड में फेसबुक है, आप उस पर यहाँ पे उसकी डिटेल दे दीजिए, आप यहाँ से इसे लॉगिन कर लीजिए। सेकंड आप स्वाइप कीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ, सीधे से उल्टे की तरफ, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आ जाएगा, आप इंस्टाग्राम की डिटेल्स इसमें दे सकते हैं और इसको लॉग साइन अप कर सकते हैं यहाँ से या साइन इन कर सकते हैं। आप वापस इसको स्वाइप कीजिए तो यहाँ पर ट्विटर आ जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पर आप ट्विटर की डिटेल्स दीजिए और ट्विटर को ओपन कर दीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते करते अगर हमें मान लीजिए फेसबुक यूज़ करना है तो हमें 2 बार स्वाइप करना है और फेसबुक पे आ जाएंगे तो हमारा फेसबुक यहाँ पर ओपन मिलेगा। तो फेसबुक हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इंस्टाग्राम यूज़ करना है तो स्वाइप कीजिए और वापस इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब हमें एप्लीकेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऐप के अंदर आपको तीनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। आप तीनों को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। हम वैसे क्या करते थे, फेसबुक बंद करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर इंस्टाग्राम में जाते हैं, वहाँ की नोटिफिकेशन आती है तो उसे चेक करते हैं, फिर ट्विटर में जाते हैं। अब ये सब झंझट से बचना है दोस्तों। इन तीनों एप्लीकेशंस बड़ी बड़ी जगह लेती हैं आपके मोबाइल के अंदर, खूब सारा आपका डेटा खाती हैं, लेकिन अब ये सब से आप बच जाएंगे। आप इस छोटे से ऐप को डाउनलोड कीजिए, अप्रोक्स 2 MB का है दोस्तों, ये लगभग 2 MB का है सिर्फ, बहुत छोटा है, स्पेस भी कम लेता है, डेटा भी आपका कम खाएगा, यहाँ पर आपका डाटा भी कम जाएगा। आप यहाँ से इसे ऑपरेट कीजिए, ये बहुत आसान है। तो दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए उस पर क्लिक कीजिए और मुझे फेसबुक पर ऐड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं और आपको सिखा सकूं। चलिए दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।